रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नसरीन किचन एंड व्लॉग्स। में ये देखिए फ्रेंड्स, आज का है, आज रेसिपी नहीं है, आज कुछ टिप्स है बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद पड़ना और डैंड्रफ के लिए। आज मैं हेयर पैक बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये है कड़ी पत्ता, इस तरीके से कड़ी पत्ता ले लेंगे। और ये है मंदारम का पत्ता है, ये फ्रेंड्स हाइबिस्कस है, ये मंदारम का पत्ता भी बोलते हैं इसको। और देखिए इसका फूल है, ये भी ले लीजिए। और ये देखिए इतना सा पत्ता झाड़ का, आपके बालों के हिसाब से आपको जितना लगता है उतना ले लीजिए। लेके इसको अच्छे से धो लीजिए, इधर पूरा डस्ट वगैरह रहता, साफ धो के छन्नी में डाल लीजिए। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस पत्ते को छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कट करके इसमें डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कैंची से इस तरीके से एकदम छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कड़ी पत्ता भी डाल लीजिए इसमें। कड़ी पत्ता भी बहुत ही अच्छा है बालों के लिए। देखिए इस तरीके से कड़ी पत्ता भी डालेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसी में डालेंगे नारियल का तेल 1 चम्मच। नारियल के तेल से बाल अच्छे स्मूथ रहते नहाने के बाद। देखिए 1 चम्मच काफ़ी है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एकदम बारीक पेस्ट कर लेना है इसको। अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मंदारम का हेयर पैक बनके तैयार है। इसके अंदर दही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छे से पेस्ट हो चुका है। देखिए हेयर पैक के लिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे अच्छे से पेस्ट हो चुका है। देखिए कलर भी इसका कितना अच्छा आ चुका है। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा हेयर पैक है फ्रेंड्स, ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और मंदारम का पत्ता, कड़ी पत्ता और कोकोनट ऑयल, दही, ये सब बालों के लिए अच्छे ताकतवर चीज़ है। ये मैं मेरी बेटी नेहा के लिए ये हेयर पैक बनाई लगाने के लिए। उन्होंने हॉस्टल में रहते बाल पूरे झड़ गए उनके, एकदम पतले हो गए, इसलिए ऐसे लगाएंगे तो बाल फिर से नए बाल उभर के आएंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरा ये हेयर पैक पसंद आए तो क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए फ्रेंड्स, व्यूज़ बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए और जल्दी जल्दी 1K कर दीजिए फ्रेंड्स। बहुत लेट हो गया, अभी आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा है, ये बालों को लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ के उसके बाद में अच्छा शिकाकाई शैम्पू से आप बाल साफ़ कर लेंगे तो आपके बाल एकदम सिल्की हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये नुस्खा ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपसे अगले रेसिपी के साथ या अगले ब्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।